वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे पहले एक नहीं दो पाकिस्तान। मलिक रियाज की बेटियों का अदाकारा उज़्मा खान पर घर में घुसकर सरेआम तशद्दुद मुकदमा दर्ज हो चुका है। ना जमानत ना गिरफ्तारी। नए पाकिस्तान में भी इंसाफ का दोहरा मियार है। तमाम दफात साबित होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं की गई, वकील का कहना है। जबकि आपको बताएं, अदाकारा कहती हैं कि घर में कोई उस्मान का ताल्लुक नहीं और कराया नामा भी सामने ले आई। जबकि इसी हवाले से आपको अपडेट करते चले कि उस्मान मेरे साथ निकाह करना चाहता था, ऐसा कहना था अदाकारा का, जबकि मैंने इनकार कर दिया। उज़्मा खान ने मजीद कहा कि इंसाफ चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। जबकि उज़्मा खान ने यह भी कहा कि दो टोक मैं ऐलान करती हूं और उन्हें लगता है कि वो पैसों से मामला रफा दफा कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। जबकि उज़्मा खान ने मजीद कहा कि मेरी जान को खतरा है, फौरी तौर पर सिक्योरिटी दी जाए, मुतालबा मामले की इंक्वायरी की जाए। और साथ में आपको यह भी अपडेट करते जाएं कि DIG की जाती सरबराही में इंक्वायरी हो, ऐसा भी मुतालबा किया गया है और मुलजिमान की गिरफ्तारी को फौरी तौर पर अमल में लाया जाए। जबकि आपको अपडेट करते चले कि एक नहीं अब दो पाकिस्तान, इस तरह की बात सामने आ रही है। और मलिक रियाज की बेटियों का अदाकारा उज़्मा खान पर घर में घुसकर सरेआम तशद्दुद, जबकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया, ना जमानत की और ना ही गिरफ्तारी अमल में लाई गई। नए पाकिस्तान में भी इंसाफ का दोहरा मयार सामने आया है। तमाम दफात साबित होने के बावजूद गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। वकील अदाकारा की जानिब से यह भी कहा गया है कि उस्मान का घर से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि अदाकारा ने किराया नामा सामने लाकर दिखा दिया। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर यह मनाजिर आसानी से मुलाहिजा कर सकते हैं। जबकि किराया नामा सामने भी ले आई और उन्होंने कहा कि उस्मान मेरे साथ निकाह करना चाहता था और मैंने इनकार कर दिया। मुकदमा जो उनसे रात को दर्ज हुआ है 443/20 पुलिस स्टेशन डिफेंस सी। मुकदमे में दफात जो लगाई गई हैं, जिन लोगों ने उस घर पे अटैक किया गया है, वो तीन नामजद लोग हैं, जो तीनों फीमेल्स हैं। कि मेरा उस्मान के साथ मेरी दोस्ती थी, ठीक है, और वो मुझसे निकाह करना चाहता था। मैं 2 साल से उसे जानती हूँ और यही बात उनकी वाइफ की, उन्होंने मुझे कभी वॉर्न नहीं किया और इस चीज़ का कोई एविडेंस भी नहीं है। और उन्होंने मुझे कभी एक कॉल भी नहीं की। मैंने उन्हें देखा पहली दफ़ा उसी दिन है। मुझे जवाब देना पड़ेगा कि उसने ये मेरे साथ क्यों किया। और यही बात उस्मान मलिक अभी तक मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। का साथ साथ कहना ये था कि उनके मुताबिक ये उनका वर्जन है कि ये घर उनके खाउंड का है। मैं आपके ये घर जो सा है वो उसका एग्रीमेंट मेरे पास है, मैं आप सबको एक कॉपी दे जाऊंगा। मैं बाबर नसीम जो सा है जी, वो घर के मालिक है, ना ही ये उस्मान के कोई रिश्तेदार है। हमारे तीन चार मुतालबात है, हमारा आपसे पहला मुतालबा ये है, हमें सबसे पहला हमारे मुतालबा सुनने, हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि कम अज कम तफ्तीश जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर की जाती सरबराही में हो। हमारा तीसरा मुतालबा ये है कि फिल फौर जो है मुलजमान की गिरफ्तारी को से अमल में लाई जाए और कतई तौर पर यह तासर न दिया जाए कि ये बाअसर लोग हैं। कानून से ज्यादा रोग और ताकत किसी चीज की नहीं होती। एक नहीं दो पाकिस्तान। मलिक रियाज की बेटियों का अदाकारा उज़्मा खान पर घर में घुसकर सरेआम तशद्दुद। आपको बताएं कि तशद्दुद के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, न जमानत हुई है ना ही गिरफ्तारी की गई। नए पाकिस्तान में भी इंसाफ का दोहरा मियार है। इसी पर मजीद बात करेंगे। मलिक मुश्ताक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मलिक मुश्ताक बताइएगा, 24 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं लाई जा सकी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँ की पुलिस तब्दीली के नारे जो है वो नारों की हद तक ही है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि किसी भी बाअसर शख्स पर कार्रवाई करना जो है वो पुलिस अफसरान के लिए किसी दिल गुर्दे से कम नहीं, को दिल गुर्दे वाला बंदा ही होगा जो कार्रवाई करेगा। चूंकि रात गए ये वीडियो वायरल हो चुकी थी और 7 न्यूज पर मुकम्मल खबर चलने के बाद पुलिस के आला अफसरान ने
लोगों का मुंह बंद करने के लिए मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज कर दी और उसके बाद जो इंक्वायरी है वो थाना डिफेंस सी के ASI जावेद के सुपुर्द की गई और उसे कहा गया कि SP इन्वेस्टिगेशन की निगरानी में आप इंक्वायरी करेंगे। FIR तो दर्ज हो गई लेकिन अभी तक ना तो कोई रेड की गई ना ही इसका कोई मुकदमे में कोई पेशरफ्त की गई। वाजिया नजर आ रहा है कि पुलिस की जानिब से मुलजमान को टाइम दिया जा रहा है, जो FIR में नामजद मुलजमान हैं वो बासर लोग हैं उनको वक्त दिया जा रहा है कि वो अपनी जो जमानतें हैं कबल गिरफ्तारी वो करवा लें, उसके बाद चूंकि ये रवायती मुकदमे की तरह मुकदमे को लटका दिया जाएगा, चूंकि आज इनका फर्ज बनता था कि इनको जब मुकदमा सौंप दिया गया है तो उस पर पेशरफ्त होनी चाहिए। और जब मेरी बात हुई अफसरान से तो उनका ये कहना था कि आज जो जावेद ASI हैं वो पूरी टीम के साथ रेड भी करेंगे और मुलजमान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी, लेकिन अभी तक चूंकि कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई और ये बता दिया गया है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं जबकि इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है, तमाम वीडियो जो है वो सामने आ चुकी है। ठीक है मलिक मुश्ताक, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा, मजीद तफसीलात आपसे जानेंगे। अभी आपको बताएं कि अदाकारा उज़्मा खान के वकील अली इशफाक साहब ने हमें लाइन पर ज्वाइन किया है। सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अली इशफाक साहब कि आपने हमें टाइम दिया। अली इशफाक साहब, गिरफ्तारी अभी तक ताहाल अमल में नहीं लाई गई, पुलिस की जानिब से उजर क्या पेश किया जा रहा है? थैंक यू जी फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। बेसिकली हमने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की है उसमें हमारे 3-4 मुतालबात हैं, जिसमें से सबसे पहला मुतालबा जो सा वो ये था कि आप हमें ये उज़्मा खान और इनकी जो बहन है हुमा खान, इनको आप फिल फॉर सिक्योरिटी दें ताकि इनकी जो जान को शदीद खतरात लाहक हैं वो दूर हो सकें या कम हो सकें। दूसरा हमारा मुतालबा ये था कि आप इनकी फिल फॉर गिरफ्तारी करें। यह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये एक नहीं दो नया पाकिस्तान आपके सामने आ रहे हैं, जहां पे आज भी जो है पुराने पाकिस्तान की तरह गरीब और अमीर के दरमियान फर्क जो है वो जमीन और आसमान की तरह वाजे है। ये एक सिर्फ इस बुनियाद पर कि इतनी क्लियर, इतनी स्ट्रांग, इतनी रिलायबल और वेरीफाइबल एविडेंस होने के बावजूद कोई शख्स अमीर है तो उसकी औलाद चाहे जितना मर्जी घनौना जुर्म कर लें उसके लिए गिरफ्तारी जो है वो करते हुए हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हाथ भी कांपते हैं, उनका ईमान भी कांपता है और वो डरते भी हैं। ये बड़ी आसान चीज थी कि ये सारे लोग इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, अपने घरों में हैं, इत्मीनान से हैं। ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन है कि जिस वक्त पुलिस की तरफ से आपको इस तरह की आशीर्वाद बाकायदा कम्युनिकेट ऑफिशियली की जाए कि कोई मसला नहीं है, आप तसल्ली से घर रहे हैं और हम आपकी तरफ। ठीक है अली इशफाक साहब, आपने जिस तरह से बताया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ मुतालबात सामने रखे, पुलिस हुकाम से आपकी बात हुई, उनका इस हवाले से क्या कहना है, क्या उजर पेश किया जा रहा है, क्यों नहीं गिरफ्तारी अभी तक अमल में लाई गई? देखें ये बड़ा वाजे तौर पर जो है उनकी तरफ से मौकफ है कि हमारे ऊपर शदीद दबाव है, हम करेंगे, हम देखेंगे, हम सोचेंगे। इसमें कोई शको शुबा नहीं है कि पुलिस ने कल भी जो FIR दर्ज की है वो लाखों और करोड़ों लोग जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरनेशनल जो दूसरी ममालिक में भी पाकिस्तानी सिटीजन है उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो बनाया, पब्लिक ओपिनियन जो है वो इतनी चीखो चला जो है लोगों ने सोशल मीडिया पे की जिसकी बेसिस पे पुलिस ने FIR जो है दी है और पुलिस को उस प्रेशर और दबाव को उसके ऊपर पुलिस फाइनली जो है उसने अपनी कानूनी जिम्मेदारी जो है ऐसे तरीके से निभाई है, लेकिन ये बिल्कुल नाकाफी है। अभी भी शायद जो है पुलिस इंतजार कर रही है कि लाखों और करोड़ों की सूरत में लोग पुलिस के ऊपर और इस निजाम के ऊपर लान तान करें तो फिर वो जागे। ये वाजे तौर पर जो है पुलिस इंतजामी तौर पर जो है उनकी कमजोरी का, उनकी शायद ये साथ मिले होने का या उनको किसी दबाव में इस सूरत हाल में जबकि गिरफ्तारी जो है बनती है खातिर खाम में ना लाने के लिए जो है वो एक काबिल यकीन हद तक जो है वो एक सबूत ही है इटसेल्फ, ये एविडेंस इटसेल्फ है कि पुलिस जो है वो अभी अली इशफाक साहब अभी जो सिचुएशन से हो रहा है पता चल रहा है वो यही है कि प्री अरेस्ट बेल ले ली जाएगी, अगर ऐसा होता है तो आपका क्या रद्द अमल होगा? देखिये इसका मतलब तो ये है कि आपके सामने एक वीडियो आई जिसको आपने इंक्वायरी करके उसकी तस्दीक की और आपने देखा कि प्राइमा फिशाए इनिशियली इतना एविडेंस है कि ये जुर्म सरजद हुआ है, आपने FIR दे दी। अब आपने इसका मतलब ये है कि 24 घंटे या 48 घंटे जो है जान बूझ के गिरफ्तारी ना की और आपने किसी को रास्ता दिया ताकि आप वक्ती तौर पर जो है ये ब्रीदिंग स्पेस बाय कर लें ताकि बाद हजार जो है वो इसको लिंगर ऑन करें और सिस्टमेटिकली जो है अदालतों में तारीखें लें और इसको शायद कोई जो है सुलह का इम्कान बनाया जाए या पुलिस की तरफ से दबाव डाला जाए, तो आपने तो ये बैडली अपनी अथॉरिटी को अब्यूज और मिस यूज किया है, ये इसकी बड़ी वाजे मिसाल है। अच्छा अली इशफाक साहब, जो आप लोगों ने मुतालबात की है उसमें एक मुतालबा ये भी किया है कि फौरी तौर पर सिक्योरिटी फराहम की जाए,
बताइएगा इस वाकये के रोनुमा होने के बाद उज़्मा खान को अभी तक धमकियां मिल रही हैं या इस तरह से धमकियां मेज फोन कॉल? बिल्कुल, ना सिर्फ ये कि उन्हें टेलीफोनिकली अननोन नंबर से धमकियां मिल रही हैं, इंटरनेशनल नंबर जो कि इलीगल एक्सचेंज ट्रैफिक के थ्रू पाकिस्तानी नंबर बन के आ जाते हैं जिनको आप ट्रेस नहीं कर सकते, उनसे भी कॉलें आ रही हैं। कभी वो घर से बाहर निकल जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त भी जो है मशकूक गाड़ियां जो हैं राइट लेफ्ट में आई हैं, कभी कुछ ना कुछ इस तरह की हरासा करने की मुख्तलिफ तरीकों से जो है कोशिश जारी है। और इसी वजह से हमारा मुतालबा था कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि उनकी जान को फिल फौर जो है खतरा है, और क्यों नहीं जो है रियासत इतनी कमजोर है, क्या डर है एक एक, एक फर्द वाहिद का इतनी बड़ी रियासत को जिसमें 30-20-30 करोड़ लोग जो है मौजूद है, इतने इदारे लाखों की तादाद में मौजूद है, इतने अफराद मौजूद है, क्या डर है किसी एक शख्स से? कौन सा ऐसा शख्स है जो कानून के आगे इतना ताकतवर हो गया है कि जिसकी जिसके आगे कानून की इतनी लाचारी और बेबसी है? अभी तक हमें कोई सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई दोनों उज़्मा खान और हुमा खान को। और इस वक्त भी हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारा दोबारा मुतालबा है इंतजामी लिहाज से पुलिस से कि फॉर गॉड से पुलिस बनी किस लिए है? आपने तो आपका तो काम है लोगों की जो है जान और माल की तहफुज करना, और ऐसे संगीन हालात में भी आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप जान बूझ के मुजरिमाना गफलत मुजरिमाना का जो है मुर्तकब हो रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी का कहा गया अभी तक कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। अनीश फाक साहब, उज़्मा खान के वकील हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया और उन मुतालबात के हवाले से भी आगाह किया और पुलिस क्यों अभी तक एक्शन नहीं ले रही इस हवाले से भी आगाह किया। मलिक मुश्ताक, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। एक नहीं दो पाकिस्तान का मुजाहरा किया जा रहा है। मलिक रियाज की बेटियों का अदाकारा उज़्मा खान पर घर में घुसकर सरेआम तशद्दुद, मुकदमा दर्ज हुआ, ना ही जमानत की गई और ना ही गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जबकि नए पाकिस्तान में भी इंसाफ का दोहरा मयार सामने आया है।